वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और अभी रात का बजा हुआ 1 बजने वाला है। और देखिए इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये रात का 1 बजने वाला है और मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत दाल जो है बीन रहा हूँ। तो चलिए मैं बीन लेता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी पहाड़ी गोहत की दाल, इसे कुल्थी की दाल भी कहते हैं। और कल लंच में हमारा पहाड़ी काउंटर है, तो उसमें हमें ये करना है, तो इसको ढूंढना है। देखिए इतना कचरा मैंने बीन लिया है और 1 घंटा मुझे इसको बीनते बीनते हो गया है। और ये देखिए, और पता नहीं अभी और कितना टाइम लगेगा, बस किसी का ऑर्डर ना आए, मैं इसको जल्दी से जल्दी मैं इसको जो है फाइनल करूँगा और बाकी का ब्लॉग उसके आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा दिनेश, देखिए कितना हैंडसम लग रहा है। और ये है हमारे लेक रिजॉर्ट की यूनिफॉर्म और काफ़ी ज़बरदस्त यूनिफॉर्म है। दिनेश क्या कर रहे हो आप? ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। टी कॉफ़ी का सेटअप यहाँ पर लगेगा, पूरा वीडियो आप देख चुके हैं, रेस्टोरेंट पूरा देख चुके हैं। ये भी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा है। रात का 1 बजा हुआ, आप लोग आराम से सो रहे होंगे। तो देखिए, होटल लाइन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जीवन में कितनी तकलीफें हैं। सब लोग अभी आराम से सो रहे हैं, बट हमें क्या है, जो हमारे गेस्ट हैं उनकी खुशी के लिए हमें अपना सारा सुख दुख सब कुछ छोड़ के उनकी खुशी के लिए हमें जो है काम करना पड़ता है। और हमें अच्छा भी लगता है, हमें शायद चुना ही इसलिए गया है कि हम लोग जो हैं उनका फंक्शन अच्छा बना पाएँ। तो चलिए मैं अपना काम करता हूँ। फ़ोन आ गया, भगवान करे कि कोई ऑर्डर ना आए। और दिनेश जो फ़ोन उठा रहा है, मैं अपना काम करता हूँ। कुछ ऑर्डर मत लाना भाई। दोस्तों दिनेश देखो क्या ऑर्डर लेके आया है अभी। दिनेश क्या ऑर्डर है? एक बटर चिकन एक गार्लिक नान। तुम कितना टाइम हो गया होटल में काम करते हुए? रात का 1 बजा हुआ, इस टाइम पर तंदूर ठंडा हो गया, बटर चिकन और गार्लिक नान का ऑर्डर लेके आ रहा है गेस्ट ने। हमारे होटल के सारे गेस्टों का हो गया। कौन से गेस्ट है? जी बाहर से आए हैं ना। तो दोस्तों देखिए, हमारे होटल के सारे गेस्टों का खाना हो गया और बाहर से कोई आया है, मना भी नहीं कर सकते। अब मुझे देखना पड़ेगा बटर चिकन तंदूर ठंडा हो गया, गार्लिक नान कैसे बना के दें। फटाफट लगाओ ना यार। दोस्तों बनाना पड़ेगा, दूसरे को भूखा भी नहीं देख सकते हैं। और अब आए हैं इतनी दूर से, इतनी उम्मीद से, पता नहीं कहाँ से आए हैं, तो देना पड़ेगा। पैक ले जाएंगे ना वो? हाँ, पैक करेंगे, पैकिंग ले जाएंगे। दोस्तों 1 बजा हुआ है और चलिए मैं ऑर्डर लगाता हूँ। ऑफिस से फोन आया था ना? ऑफिस से फोन आया था, ऑर्डर लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने ब्लॉग शेयर करता हूँ। चलिए आप पैकिंग की तैयारी करिए। दोस्तों देखिए, तंदूर जो है ठंडा हो चुका हमारा, और इस टाइम पर मैं कहाँ से लगाऊंगा, ये तंदूर में आग ही नहीं बिल्कुल। तो देखिए, तंदूर में आग नहीं, और बटर चिकन का ऑर्डर लेके आए। अब गेस्ट है, गेस्ट को बटर चिकन तो देना ही है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तंदूरी मैरिनेशन लगा के उसको मैं ऑयल में फ्राई करके जल्दी से जल्दी रेड ग्रेवी में बटर चिकन देता हूँ, उसके बाद आपके सामने ब्लॉग शेयर करूँगा। तो सॉरी खाना बनाते हुए आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जल्दी जल्दी से मुझे ये ऑर्डर प्लेस करना है, सुबह की तैयारी भी करनी है। चलिए दोस्तों मैं करता हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। चलिए मैं ऑर्डर बनाता हूँ, उसके बाद का व्यू आपके सामने शेयर करूँगा। तो फाइनली उनका ऑर्डर जो है पैक हो गया है और ये बटर चिकन जो है मैंने पैक कर दिया है। अब अगर ट्रेडिशनली आप देखें तो बटर चिकन तंदूर में ही बनता है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तंदूर ठंडा हो गया है। और हम लोग जो है अपने होटल में जब शादी है तो शादी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमें पता नहीं था कि बाहर से कोई आएगा, अचानक से कोई आ गया, तो बटर चिकन रेडी हो गया दिनेश। और गार्लिक नान की जगह हमने उनके लिए तवा रोटी पैक कर दी है, तो आप इस ऑर्डर को लेके जाइए, उनको बोलिए सर थैंक यू सर, ठीक है, इसको पैक कर लीजिए। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो देख लेंगे दोस्तों। थैंक यू दिनेश, कुछ कहना चाहेंगे? लाइक टोके सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिनेश। चलिए दिनेश बढ़िया लग रहा है, देखिए जय श्री राम लिखा हुआ टोपी में, क्योंकि पहाड़ भी है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों।